तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2017 के प्रॉब्लम नंबर 33 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम में आपने को एक फंक्शन दिया है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फंक्शन ऐसा डिफाइन किया है कि ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड ऐसे डिफाइन किया है, और हमको इस फंक्शंस के कितने जीरो है देखने हैं। जीरो का मतलब है नंबर ऑफ जेड सेज दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। अभी मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखता हूँ, ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड इक्वल टू जीरो, और इस इक्वेशन को मैं ई पावर जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलता है ई पावर टू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर मैं जेड इक्वल को एक्स प्लस आई वाई करके डालता हूँ तो अपना इक्वेशन होता है ई पावर टू एक्स नॉट ई पावर आई टू वाई इक्वल टू माइनस वन। अभी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग एक्स को जीरो लेते हैं क्योंकि इस माइनस वन का मॉड्यूलस है वन, तो ई पावर जीरो होगा वन, और टू वाई होना चाहिए पाई क्योंकि माइनस वन है ई रेस टू आई पाई। तो वाई होगा पाई बाय टू। तो यहाँ पे देखो, वाई वाई को हम इन्फाइनेटली मनी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि पाई बाय टू प्लस और माइनस टू एन पाई। तो सिंस क्योंकि वाई के इन्फाइनेटली वैल्यू मिनी वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक्स प्लस आई वाई यानी कि जेड के भी इन्फाइनेट वैल्यूज होंगे। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, जो कि इनफाइनाइटली मेनी जीरोस। चलो सी यू, देखते हैं।